क्योंकि सरकार को जनता ने सुना है। लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन होती है और जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, और इस सर्वोपरि फैसले के बावजूद सरकार अपनी हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है। क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये कि कौन जन्मा है जग माही और प्रभुता पाहे काहे मद होई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मद हो गया, और जब व्यक्ति विशेष को या किसी को मद हो जाता है तो मद में ही सारे कार्य गलत होते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसान दुर्लभ है, दुर्लभ इससे दुर्लभ कोई नहीं है, के दुर्बल को न सताइए और जाकी मोटी हाय और मरी खाल की सांस सो सार बसम है जाए। तो इसका सारांश भी बता दो। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहा है कि दुर्बल को न मत सताइए, जाकी मोटी हाय यानी उसकी आत्मा की आवाज बहुत प्रबल होती है, और ये सार की धूकनी से हवा दे के लोहा पे लग जाता है तो सार भी भस्म हो जाता है। ये इसका तात्पर्य है। एक चीज कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिसे आप परेशान कर रहे हैं, जिसके लिए आप कील गाड़ रहे हैं, जिसके लिए आप जो है ऐसी बैरिकेड लगा रहे हैं जैसे कि ये चीन और जो है हिंदुस्तान का बॉर्डर हो, ऐसा मत करो। किसान बहुत ही छोटा और जो है साफ हृदय वाला है। बहुत बुरी हालत है ईश्वर और या धरती के भगवान की, पर टूटी मालाएं से बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया, ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया, आखिर उसकी माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। शहीदों के लिए कह रहा हूँ कि आखिर उसकी माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया, अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और एक बात कह देना चाहता हूँ कि जो अपने कंधे पर और खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कंधे पर और खुद हल लेकर चलता है, आखिर उसकी कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है? हल क्यों नहीं निकलता है? तो सवाल इसी बात का है कि किसानों की इस समस्या का, तीन काले कानून वापस होने का हल क्यों नहीं निकल रहा है? ये लाखों आदमी जो इसी इंतजार में है कि ये इस समस्या का समाधान हो, हल निकले। जिनसे है उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किस्मत ये कहते हैं कि हमने कर्ज माफ कर देंगे, कर्ज दे देंगे। मैं कह रहा हूँ क्या किसान की तरह मेहनत करके देख लो, अपने को महाजन के ना भूल जाएंगे। इतना कर्ज चुकाया हमने कि हम अपनी सुध भूल गए, और सावन के महीना में फांसी लगा के झूला झूल गए। अमुआ की डाली पर और लाश टंगी है किसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ये किसान का ही दर्द नहीं है, ये हमारी बेटी बच्चियों का दर्द, वो भी सुन रहा है कि देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, और ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते। बाली तक गिर भी रखी है और बेटी के स्वाभिमान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान जी। तो ये जो किसान का दर्द है, ये आप देख रहे थे गाजीपुर बॉर्डर से, ऐसे बेताब की रिपोर्ट। धन्यवाद।